ये इनका जी पुदीने वाला पराठा होता है और इनका तवे वाला कीमा देसी घी में इनकी दाल है, मतलब कि ये देसी माहौल इनका बहुत जबरदस्त है। भाई बहुत ही अलग माहौल बना हुआ है, तो अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ जिया तबारक और हम मौजूद हैं पहलवानों के शहर गुजरांवाला में। और भाई जो खाने गुजरांवाला के हैं ना, अल्टीमेट हैं, अल्टीमेट। तो आज हम आए अभी लंच टाइम के ऊपर, अभी मेरे एक दोस्त हैं यूनुस भाई, यूनुस चौधरी, उनसे मुलाकात करनी है और फिर कुछ दोपहर के खाने यहाँ पे हम ज़रा एक्सप्लोर करेंगे और टेस्ट करेंगे और ये सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिर चलें। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं यूनुस भाई? खैरियत से? ठीक है माशाल्लाह। गुजरांवाले की जानी पहचानी शख्सियत हैं यूनुस चौधरी भाई और इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है चौधरी टीवी के नाम से। आज आपके साथ हम जरा एक्सप्लोर करने वाले। बिल्कुल जी, जरूर आए, वेलकम करते हैं आपको गुजरांवाले में। बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? ठीक है भाई, हम पहुंच गए निराला होटल पे। और निराला होटल पे क्या खास बात है? माहौल बड़ा अच्छा है, इनके पास रश भी बहुत ज़्यादा होता है और ये गुजरांवाला पहलवान, पहलवानों का शहर है और पहलवानी खाने, पहलवानी खाने खाने हम भी आ गए। तकरीबन 60 साल से बैठे हुए हैं, 60 साल से बैठे। ये ओरिजिनल जो निराला वाला यही है, सही बात है। में ये मेन जीटी रोड है हमारा गुजरांवाला का, ये गोंदलांवाला अड्डा है, गोंदलांवाला अड्डे से हम इधर आए हैं मेन जीटी रोड पे। इसको आप जो है ना टायरों वाली मार्केट भी बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं? टायर वाली मार्केट। बड़ा सा लिखा हुआ है ग्रीन कलर के अंदर निराला होटल। ये देखिए भैया माशाल्लाह, ये सब फ्रंट के ऊपर जो है ना वो रोटियाँ लग रही है यहाँ पे, ये बन रहे हैं ये। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे? ये देखिए पुदीने वाली जो है ना, ये देसी घी के साथ है। ये देसी घी पुदीने वाला पराठा तैयार हो रहा है। पुदीने वाला पराठा तैयार हो रहा है ये देसी घी के साथ। ये पुदीने, अच्छा ये पुदीने की चटनी है। हाँ, और ये देसी घी, और ये देसी घी है, और ये इसके ऊपर ये पराठे लगे। ये रोटी गुजरांवाला में यही शुरू करने वाला, ये पराठा इनका अच्छा फेवरेट है। जबरदस्त जबरदस्त। ये भाई बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? खैरियत से? स्पेशल बहुत सब कुछ है, आप जब बैठे के पता चली जाएगा। माशाल्लाह, आपका नाम क्या है? उमर नाम है मेरा। उमर भाई, आप मुझे पहलवान वाला टच दे रहे हैं, गुजरांवाला पहलवानों का शहर है। जनाब आप याद करो कि ये देसी खाने हैं गुजरांवाला पे, हम पहले भी आए, माशाल्लाह जबरदस्त खाने। ये देखिए जी, ये कीमा निकल रहा है अभी फुल जो है ना, वो लंच टाइम बना हुआ है। ये आप देखिए माशाल्लाह लोगों का रश लगा हुआ है जबरदस्त तरीके से। ये मछलियाँ फ्राई हो रही हैं। अच्छा, ये दाल के अंदर भी होती है? ये दाल में भी मिक्स करवाएं आप, कीमा भी जो कीमा जो है उसको भी दाल में मिक्स कराएं। असल में ना इधर 2 साल जो है ना मिक्स गुजरांवाला में दारा चलते हैं, मतलब कीमे में जो है ना दाल डाल दें इनके साथ, दाल ये बहुत ज़्यादा इसका। अच्छा, ये मिक्स कर देते हैं दाल और गोश्त का कॉम्बिनेशन। इसका भी कॉम्बिनेशन है और कीमा और दाल का भी कॉम्बिनेशन है। ये देखें माशाल्लाह इनका बिल्कुल डेली ताज़ा फ्रेश होता है इनका। ये देखें बिल्कुल ताज़ी चीज़ें होती हैं। ये इनके पार्सल तैयार हो रहे हैं दफ्तरों के लिए, फैक्ट्रियों के लिए जो है ना, जो दोस्त आते हैं एम्प्लाई मुख्तलिफ अपने ऑफिस से या फैक्ट्रियों से, वो अपना खाना खाते हैं और अपने बॉसेस का खाना ही करते हैं। सब चीज़ें देसी घी में। ये आ गई मछली, ये बोंग का जो पीस होता है ना उसको मछली कहा जाता है। ये दाल डाली जा रही है। हाँ जी, ये दाल देखें वो छोटे पाए थे नहीं, ये माशाल्लाह जो है ना वो मग के साथ जो है ना दाल को जो है ना इधर, ये मिर्च आ गए, ये धनिया आ गया। ये दाल अब पहले पकाई है, अब इसको फ्राई करके जो है ना, फ्राई होगी, फ्राई करके फिर जो है ना जाएगी। हाँ, जाएगी। अदरक धनिया और हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। क्या बात है भाई, क्या बात है। इनकी एक चीज ये है कि बाहर की सिटी से ना, मतलब गुजरात है, सियालकोट है, लाहौर है, इधर से जो है ना काफ़ी दो स्पेशल इनके ना खाने के लिए आते हैं। अच्छा, पुदीना पराठा, मछली दाल और दाल। बस हम भी यही ट्राई करते हैं इंशाल्लाह अभी। ये
मगज भी जो है वो तवे पे फ्राई हो रहा है। ये जो है ये इसके अंदर ये करी बनी हुई है, इसको जो है ना वो काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि मटन की जो यखनी है ना वो इस सालन के अंदर है। और ये मगज जो है ये कटाकट बन रहा है इसका। चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं, ज़बरदस्त सा खाना आ गया हमारा। और ये आप जो देखें ना ये पुदीने वाले पराठे के ऊपर ये जो घी और घी की ऐसी खुशबू आ रही है, इसको तो भाई मैं ऐसे ही टेस्ट करूँगा क्योंकि ये ऐसे ही खाने का है। ये देखें जी ये हमने इसके ऊपर ऑलरेडी घी लगा हुआ है, लेकिन आप देसी घी से खाने का तरीका ये होता है कि ये आप पुदीने और देसी घी इसके ऊपर लगाएँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जो मिंट का एक फ्लेवर आया ना, एक ठंड आई है, और इसके अंदर एक अपना कुछ मसाला भी इसके अंदर है, चटनी के अंदर हल्की सी एक तुलसी सी इसके अंदर है, देसी घी की खालिश, देसी घी की खुशबू, गरम गरम रोटी। ये तीमा वीमा तो अपनी जगह है, लेकिन ये खाली ये पराठा ही जो है ना, ये पराठा ही अपनी जगह बहुत बेहतरीन है। सबसे पहले ये मछली, ये जो है ना ये मछलियाँ जो है मछलियाँ, इसको ये असल में भूंग कहलाती है यहाँ कराची में तो, लेकिन पंजाब में मेनली जो है ना इसको कहा जाता है मछली। मछली क्योंकि ये मछली की तरह होता है, भूंग का पीस, मटन मछलियाँ, भूंग का गोश्त, और ये बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं, बहुत लजीज गोश्त होता है, ये नहारी में भी डलता है ये गोश्त। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इंतहाई गला हुआ गोश्त है, और दूसरा वो मटन कुन्ना होता है ना उसके अंदर बिल्कुल मलाई गोश्त होता है, उस तरह का गोश्त है ये, और सॉफ्ट बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सॉफ्ट और इंतहाई लजीज, स्पाइसी नहीं है बिल्कुल भी। मेरा ख्याल है सालन के अंदर थोड़ा दही वगैरह भी इन्होंने मिलाया हुआ है, जो जिसकी वजह से बड़ा मज़ेदार क्रीमी सा इसका टेस्ट बन रहा है। दूध दही वगैरह भी इसके जो करी है ना इसके अंदर शामिल है। और ये देखें आप, ये बिल्कुल नरम मुलायम गोश्त है, इंतहाई गला हुआ। ये है जी दाल, और दाल जो है ना वो लाला मूसा की भी बहुत मशहूर है, और इस दाल की भी बड़ी तारीफ़ें सुनी है। इसको ये पकी हुई दाल होती है, फिर इसको तवे के ऊपर फ्राई किया जाता है, इसमें अदरक हरी मिर्चें वगैरह डाली जाती हैं, देसी घी से इसकी टॉपिंग की जाती है, और इस पुदीने वाले पराठे के साथ इसको ऐसे खाया जाता है। बिस्मिल्लाह, वाह कौन सी दाल है ये? ये चनों की दाल है, और इन्होंने फ्राई की है तब घी जो है ना ऐड किया था, उसके बाद घी की लहरा थी, ये देखें टॉपिंग की हुई है। चने की दाल है, लेकिन जो जायका है ना वो अलग है इसका, बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसा जैसे चने की दाल का जायका नहीं है, बिल्कुल एक डिफरेंट जायका इसमें जो है ना वो आ रहा है। ये निराला वाले बिल्कुल निराला ही है, निराला ही है, निराला जायका है, और बड़ा ही लजीज, क्या बात है, अल्टीमेट। ये है जी मटन कीमा, और मटन कीमा पैक करते हैं। भाई हर चीज़ माशाल्लाह एक से बढ़ के एक। ये 7 साल के इनका जो है ना देखे, इनके बाबू दाल का ये बिल्कुल सेम, अभी तक किसी इधर ओल्ड सिटीजन से आप पूछेंगे ना तो वो कहेगा सेम वो वाले, वही वही दायका चल रहा है, इसमें घी का कोई भी नहीं है, हर चीज़ है। तो ये देसी खाना, प्योरली देसी खाने हैं ये, गुजरांवाला का मशहूर जो है प्योर देसी खाने, और ये पहलवानों की भी गजा में यही शायद चीज़ें, पहलवान यही मतलब ये चीज़ें देसी घी, तो देसी घी कीमा जो है ना वो मुझे खास तौर पे बहुत ही मज़ेदार लगा। पंजाबी जो ही कहने कड कड़ाके देते हैं, कड कड़ाके देते हैं, कड़ कड़ाके देते हैं, क्या मतलब कड़ कड़ाके? ये पटाखे, आप पटाखे बोलते हैं इनको जो ये निकालते हैं, ये पटाखे बोलते हैं उंगलियों से, पंजाबी में कड़ाके बोलते हैं। अच्छा अच्छा, उंगलियां चटका के कड़ाके काट देते हैं, कड़ाके काट देते ने, कड़ कड़ाके देते ने, और फिर लस्सी पींदे ने, लस्सी पीते हैं, खाना फिनिश करते हैं, फिर चलते हैं टाइम मास्टर। और गुजरांवाला में शुरू हो गई है बारिश,
अन्नी बारिश शुरू हो गई है, अन्नी बारिश। चले जी भाई मास्टर, बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है भाई गुजरांवाला का, खास तौर पे चौधरी साहब लेकर आए हैं। और ये सब्जियां देखें आप, ये सब्जियों का दिन के अंदर भी जो है ना ये माहौल बना हुआ है। ये भाई किचन, फ्राई मास्टर का किचन ये है। सब्जियां बाहर लगी हुई हैं लेकिन अभी मैनेजर साहब ने बताया कि वो 5 बजे के करीब शुरू होती है, तो देखते हैं कि यहाँ पे अभी क्या अवेलेबल है। बहुत ही बड़ा किचन है भाई ये, देखें आप माशाल्लाह यहाँ से शुरू हो रहा है, नान लगे हुए, उधर कढ़ाइयाँ लगी हुई हैं, बाहर सब्जी और बारबेक्यू है, यहाँ पे ये चाइनीज़ है। बहुत ही ह्यूज महंगा किचन है और यहाँ पे ये फास्ट फूड बार रोस्ट बर्गर वगैरह का सीन चल रहा है। ये इधर बन रही है भाई रोटियाँ, क्या हाल है भैयान, ये कढ़ाइयाँ तैयार हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक है। ओए होए होए हो भाई, बहुत ही अलग माहौल बना हुआ है यहाँ तो, और बहुत ही ज़बरदस्त हीट है भाई। ये क्या चीज़ बन रही है, चिकन तवा। चिकन तवा, ओए होए होए, ये चिकन तवा तैयार हो रहा है, वाह जी वाह। ये देखें आप कितने सारे तरह के मसाले यहाँ पे रखे हुए हैं, खास ये रेसिपी है जो चिकन तवा वगैरह बना रहे हैं ना, मसाले डालते जा रहे हैं, दही दूध क्रीम ये सारे आइटम इसके अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। ये बन रहा है भाई नान, चिकन चीज़ नान है हमारे, चिकन चीज़ नान, ये कलवंजी नान है, कलवंजी नान है, ये लगे हुए, वो लगे हुए अंदर। इतने मुख्तलिफ तरह के नान होते हैं, चिकन चीज़ नान, कलौंजी नान, हमारे पास 4-5 किस्म के नान हैं। चिकन चीज़ नान तैयार हो रहा है भाई, ये 500 ग्राम का होता है, ये आधा किलो, 500 ग्राम, 500 ग्राम आधा किलो, ओ हो 500 ग्राम चिकन इसके अंदर, आधा किलो चिकन, आधा किलो नहीं यार, एक बंदे के लिए होती है, एक आदमी से ओवर होता है। गुजरांवाला शहर का जो है ना वो एक आदमी खाता है, अदरवाइज सिटी से हो तो वो एक बहुत मुश्किल, हम तो इसका क्वार्टर खा ले तो बड़ी बात है, गुजरांवाला में गुजरांवाला। ये आगे ले जाए जी, आगे ले जाए, दिल आ गए, कलौंजी आ गई, चिकन आ गई, धनिया आ गया और ये बन गया चिकन नान, चिकन चीज नान भाई, आधा किलो चिकन है इसमें, ये लग गया तंदूर में, और ये देखो कढ़ाइयों का माहौल भाई, बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही ख़तरनाक माहौल बना हुआ है यहाँ पे। बहुत काफ़ी बड़ा किचन है ये फ्राई मास्टर का, और तरह तरह के खाने यहाँ पे तैयार हो रहे हैं अभी। ये देखे जी चाइनीज़ के उस्ताद बना रहे हैं चाइनीज़, क्या ले भजन, ये चाइनीज़ बन रहा है, क्या बन रहा है, ये सूप, अरे सूप कढ़ाई में बन रहा है यार, वाह वाह। ये इधर राइस बन रहे हैं, क्या ले भाई तुम्हारे, क्या नाम है आपका, हसनैन भाई, आप बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं माशाल्लाह, हीरो जैसे, क्या बात है हसनैन भाई जी, हसनैन भाई ये राइस बना रहे, फ्राइड राइस, अब क्या बना रहे हैं, मंचूरियन, मंचूरियन बन रहा है, ओह हो हाय हाय हाय, आपका हाथ चल रहा है ना माशाल्लाह, साहब जी का हाथ बड़ा जबरदस्त चल रहा है, टका टक है, नहीं हमारे शेफ साहब हैं फैसल साहब इनका नाम है, 4 साल से हमारे पास काम कर रहे हैं एज ए असिस्टेंट शेफ चाइनीज अड्डे के, बहुत अच्छा काम है इनका, टेस्ट बहुत अच्छा है, सर्दियों का सीजन स्टार्ट हो रहा है और हमारा सूप डेली बेस पे जो है कम अज कम 1500 से 2000 बोल हम निकालते हैं डेली बेस पे, और यहाँ रेस्टोरेंट का नहीं, हमारा ओवरऑल मार्केट पे जाता है, अच्छा अच्छा, शेफ हमारे पास, शेफ के पास टाइम नहीं होता, सही बात है, हम बुकिंग करना बंद कर देते हैं कि सॉरी अब हमारे पास टाइम नहीं है, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, अल्लाह और बरकत दे। ये हो गया भाई मंचूरियन रेडी, अच्छा सा एक डाइनिंग हॉल बना हुआ है यहाँ पे, ये ऊपर जेंट्स का है, नीचे बेसमेंट में जो है वो फैमिली हॉल है, लोग बैठे हुए खाना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ये सीन है, हम भी बैठते हैं।
जी तो भाई फ्राई मास्टर के ऊपर हमारा बहुत ही ज़बरदस्त खाना आ गया है और ये चीज़ें जो डिशेज हैं ये हमें रिकमेंड की हैं रेस्टोरेंट मैनेजर इरफान भाई ने। हमारे पास सबसे पहले आई है ये तवा चिकन, ये मैंने बनते हुए भी देखी, बहुत ही ज़बरदस्त तवा चिकन। और उसके बाद ये हरी मिर्च चिकन, हरी मिर्च हांडी, और ये चिकन चीज़ नान। और ये नान जो है ना ये हमने बनते हुए देखे थे, इसके अंदर जो है वो तकरीबन आधा किलो चिकन जो है ना वो इसके अंदर डाली जाती है। ओहो, ये आप रेशे ही रेशे कीमा जो है ना वो भरा हुआ है इस पूरे नान के अंदर। और जितने भी मैंने और भी जगह पे नान खाए हैं, और भी जगह पे हमने नान खाए हैं, लेकिन ये जो आधा किलो वाला सीन है ना ये सबसे पहले हमने यहीं पे देखा है। तकरीबन आधा किलो चिकन वाला पूरा नान एक बंदा तो मेरे जैसा तो नहीं खा सकता, गुजरा वाला में तो शायद दो दो खा ले लोग हैं, गुजरा वाले से खा सकते हैं। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। काफ़ी मसालेदार चिकन है, ऊपर इसके कलौंजी जो लगाई है ना उसके खाते ही ऐसी ज़बरदस्त सी खुशबू आई है। और चिकन चीज़ के साथ चिकन भी जो है ना वो काफ़ी जूसी है, इसके साथ कुछ इन्होंने मैरिनेशन की हुई है तो ड्राई नहीं है। चीज़ भी है अंदर, एक बड़ा अजीब मज़ेदार सा लिस्पिसा सा इसका टेस्ट है, और ख़ास तौर पर तिल के साथ कलौंजी के साथ काफ़ी मज़ा दे रहा है। ये है भाई तवा चिकन, ये भी हमने किचन में बनते हुए देखी, अदरक की, हरी धनिया की, हरी मिर्चों की इसके ऊपर टॉपिंग हुई हुई है, बड़ा ही इसके अंदर क्रीम वगैरह भी डाली गई है तवा चिकन के अंदर। काफ़ी सारे मसाले हमने देखे कि उससे ये तैयार हो रही थी, और जितने भी शेफ़ मैंने देखे वो बड़े ही एक्सपर्ट तरीके से सारी चीज़ें बना रहे थे माशाल्लाह। ये आइए गर्मा गर्म नान, गर्मा गर्म रोटी, बिस्मिल्लाह। अच्छी बात सब में यही है क्योंकि भाई हमें कराची वाले, और कराची वाले खाते हैं थोड़ा स्पाइसी खाना, और नान में भी और ख़ास तौर पे इस तवा चिकन के अंदर भी जो एक चटक है ना मसाले की, कढ़ाई के अंदर इसको बनाया गया है, कढ़ाई का अपना एक टेक्सचर, खुशबू, मसाले, अदरक, मिर्च, इनके मसाले हैं जी, ब्रेडिंग मसाले हैं इनके, कंपनियों के मसाले ये इस्तेमाल करते हैं, और आप इनकी बनाने का तरीका ये मसाले इतने रखते हैं कि आपको वो कहते हैं ना कि स्पाइसी खाया तो जलन होती है, वो चीज़ नहीं भी हो। सही बात है, ये नॉर्मल चीज़ है, स्पाइसी का मज़ा आएगा लेकिन जलन भी नहीं होगी, ज़बरदस्त खाने हैं इनके बेहतरीन। और ये है हरी मिर्च, हरी मिर्च की हांडी, तवा वाली जो है वो रेड करी में है, ये जो है वो वाइट करी में है, श्रेडेड चिकन के बोनलेस पीसेस इसके अंदर है, और डिफरेंट कट है चिकन का भी जो है ना, आप ये देखें कि ये चिकन का जो कट है ना ये भी डिफरेंट तरह का कट है, क्यूब्स में नहीं है चिकन, लंबी लंबी जो है वो श्रेडेड चिकन लग रही है, फिंगर स्टाइल की। मिंट का भी इसके अंदर टच है इरफान भाई, ऐसा पुदीना होता है इसमें सर, पुदीने की पेस्ट है, हरी मिर्च की पेस्ट हो, हरी मिर्च और पुदीने की ना खाते ही एकदम पुदीने का टेस्ट आया। निराला पे भी हमने वो पुदीने वाला नान देसी घी में खाया, और इसके अंदर भी ये पुदीने का एक टच आया। पुदीना वैसे भी बहुत हेल्दी डिश है, इसीलिए हमने ये मिंट लेमनेड भी जो है ना ये भी मंगा लिया है, क्योंकि गुजरावाला में है तो भाई बहुत सारे खाने हैं, तो ये साथ साथ चलता रहे तो लखनऊ में जैसे कहते हैं जी मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं तो गुजरांवाला का स्लोगन है खाइए आप गुजरांवाला में। सही बात है, नो डाउट। ये जो हमें चौधरी साहब लेकर आए फ्राई मास्टर पे, तो भाई ये गुजरांवाला की ख़ास जगह है, और है भी बड़ा अच्छा फाइन डाइन इन्वायरमेंट, यहाँ पे आसपास ऑफिस बने हुए, काफ़ी डीसी ऑफिस वगैरह बने हुए, तो एक अच्छा फैमिली वाला रेस्टोरेंट है ये। भाई ज़बरदस्त सा खाना खा लिया है हमने फ्राई मास्टर पे, और अभी चौधरी साहब ने कहा है कि भाई यहाँ पे एक कुल्फ़ी मिलती है, तो गो के पेट में जगह बची नहीं है, लेकिन भाई गुजरांवाला आए हैं तो ये सब तो होगा, तो अभी कुल्फ़ी खानी बाकी है। भाई हम पहुँचे हैं सूफ़ी सुलेमान कुल्फ़ी के ऊपर, ये ख़ास कुल्फ़ी है गुजरांवाले की जी, ये बड़ी स्पेशल कुल्फ़ी है जी, एक साथी सी लेडी से शुरू हुए थे ये, अच्छा साथी लेडी से शुरू हुए थे तो तरक्की करते करते माशाल्लाह एक ब्रांड ये इनकी है कि उन्होंने लिखा हुआ है सामने, बिल्कुल सामने है, बिल्कुल सामने है, इसके अलावा इनकी कोई ब्रांच नहीं,
लेकिन आगे इनके वही रेडी वाले स्टाइल पे लोगों ने ना समझ लें कि नकल की हुई है इनकी। लेकिन काफ़ी सारे लोग यहाँ बैठे कुल्फियाँ खा रहे हैं भाई, हाजी सुलेमान कुल्फी पे, सूफी सुलेमान पे। क्या हाल है भाई, कुल्फी यहाँ मिल रही है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? से ठीक है? आप तो कराची से नहीं है? जी मैं कराची से आया हूँ। कैसे हैं? ठीक है। कितने? 30, 50, 80 है। ये कुल्फी होती है आपके पास बस? और सिर्फ कुल्फी 1955 से है। ये सूफी साहब है सुलेमान, ये आपके आपके दादा अबू हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसी क्या खास बात है इस कुल्फी में जो मशहूर है गुजरांवाला में? अल्लाह पाक का करम है। अल्लाह पाक का करम है। कोई खास आपके जायका, कोई रेसिपी? कोई नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल। अच्छा, एक कुल्फी हमें भी दे दे, 50 वाली एक कुल्फी, 50 वाली। हाँ ये 50 वाली है, ये आ गई थी कुल्फी। सूफी सुलेमान कुल्फी, बिस्मिल्लाह। खालिस मलाई भी आ रही है भाई इसके अंदर, वही ट्रेडिशनल जायका है खोया मलाई। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिशियंस आ चुके हैं। अभी भी यहाँ जो है ना वो कोई पॉलिटिकल इवेंट है जिसके लिए यह कुल्फियाँ तैयार हो रही हैं। यानी मतलब हाई लेवल की जो सारी चीज़ें तकरीबात वगैरह भी होती हैं ना, वहाँ पर भी यहीं से कुल्फी आती है। जोई साहब आपने टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। और गुजरांवाला में अभी हम हैं, पिक्चर अभी बाकी है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। और चौधरी साहब का चैनल भी है, चौधरी टीवी, ये भी घूमते फिरते रहते हैं, ज़रा इनके चैनल को भी एक्सप्लोर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।